दिल्ली थी ऑनलाइन हरी झंडी बतावी करजोड़ा रेलवे स्टेशन थी ट्रायल एंजिन रवाना करायो। ब्राह्मणों अने पंडिते द्वारा विधि विधान थी मंत्रोच्चार करी सवारे 10:55 कलाके ट्रायल एंजिन रवाना करायो। आज रोज WDFCC द्वारा करजोड़ा रेलवे स्टेशन थी नवीन रेलवे लाइन नू काम पूर्ण थता दिल्ली थी ऑनलाइन हरी झंडी बतावी रेलवे ना पाटा उपर ट्रायल एंजिन रवाना करवामां आव्युं हतुं, जेमां पंडितों द्वारा विधि विधान थी मंत्रोच्चार करीने सवारे 8:55 कलाके दिल्ली थी प्रबंध निर्देशक अनुराग सयाम द्वारा ऑनलाइन हरी झंडी बतावी ट्रायल एंजिन रवाना करायुं हतुं। DFCC द्वारा ट्रेकने काम पूर्ण करवामां आव्युं छे, जे लगभग 370 किलोमीटरनो ट्रेक छे। डबल लाइनमां ऑफलाइन डाउन लाइननुं काम परिपूर्ण करवामां आव्युं छे। आ काम बहु ज कठिन अने जटिल काम हतुं। वच्चे बालाराम नदी पर आवेल रेलवे स्टेशन ब्रिज 26 मीटरनी ऊंचाई पर छे, जेमां 165 मीटरनुं न्यूट्रफ वर्णनुं मोटुं काम हतुं। 870 मीटर DRSનું કામ જે પરિપૂર્ણ થયું છે। આ કાર્ય દરમિયાન જનતાની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે, પરંતુ હવે જનતાની મુશ્કેલીનો અંત આવશે। જનતાની સેવા અને સુરક્ષા માટે DFCC હંમેશા અગ્રેસર છે। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર DK નંદાસન, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર સંપંત લુહાર, JK અગ્રવાલ, કમેશ મીણા, નીરજ સોનકિયા, લોકો પાયલટ દીપક શર્મા અને LNT એડમિન ઇન્ચાર્જ મલાઈ મેધુ, સિક્યોરિટી ઓફિસર અયુબ ખાન બિહારી હાજર રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સોહિલ ખાન તેમજ કાદિર હુસેનને ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। અશોક રાણા, વસ્યા, ZSTV બનાસકાંઠા। करजोड़ा से लेकर दुरई तक, यानी DFC के न्यू पालनपुर स्टेशन से लेकर न्यू सरादना स्टेशन तक ट्रेक का कार्य पूरा होने के बाद इंजन द्वारा परिचालन परीक्षण किया जा रहा है। करीब 370 किलोमीटर का यह ट्रेक, जिसमें DFC ने नया ट्रेक बिछा है, डबल लाइन पूरा ट्रेक, अपलाइन और डाउन लाइन का काम पूरा हो चुका है। और आज की इस शुभ दिन पर प्रबंध निदेशक महोदय माननीय अनुराग सचान साहब द्वारा हरी झंडी दिखाकर आज इस लोको का परीक्षण के लिए हरी झंडा दिखाकर इस इंजन को रवाना किया जाएगा। यह कार्य अपने आप में बड़ा कठिन और जटिलताओं से भरा हुआ था। यहाँ पर बालाराम ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई करीब 26 मीटर और जिसमें करीब 165 मीटर का यूट्रफ वाल का बड़ा एक काम था। करीब 870 मीटर से लंबा ERS का वर्क था और केवल पालनपुर और इकबालगढ़ के बीच में ही 5 लाख से अधिक क्यूबिक मीटर का अर्थवर्क का काम था। इतना कठिन कार्य सभी के प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा हुआ और आज इसका परीक्षण किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा संपत लोहार, मैं उप मुख्य परियोजना प्रबंधक अहमदाबाद।